हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज हम कुछ नए तरीके से लड्डू गोपाल जी का समर ड्रेस बनाएंगे। देखिए, मैंने कैप भी कुछ नए तरीके से बनाई है और पूरे कवर सिलाई किया है, कहीं भी धागा धागा नहीं दिखाई दे रहा है। और गाइस, यहाँ पे मैंने 7 नंबर के काना जी ली है। ये ड्रेस हम 6, 7 और 8 को आसानी से पहना सकते हैं। और इसमें मैंने छोटी सी बुट्टा लेस का यूज़ किया है और ड्रेस कितना प्यारा बन गया है गाइस। गाइस, मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, कुकिंग के, हैंडवर्क के, टीचिंग के वीडियोस बनाए हैं। आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, आप वहीं से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं कॉटन के। दोनों स्ट्रिप लंबी है और दोनों एक समान है। तो चलिए मैं आपको इसका नाप दिखा देती हूँ। तो गाइज, इसका नाप है 14 और इसकी चौड़ाई है 3 इंचेस। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाएंगे, सीधा भाग दोनों अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पे एक टीच कर लेंगे। तो चलिए पहले टीच कर लेते हैं, फिर इसको हम पलट लेंगे और इनके ऊपर हम प्रेस स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा कपड़ा बैठ जाए और ड्रेस की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो गाइस, ये हमारी टीच हो गई है। अब हम यहाँ पे अस्तर डाल देंगे ताकि हमारा जो जॉइंट लगाया है वो जॉइंट नहीं दिखाई देगा। तो चलिए, 3 साइड पर हम टीच कर लेते हैं। तो ये हमारी टीच हो गई है। एक्स्ट्रा अस्तर का कपड़ा काट लेंगे और इसको पलट लेंगे। तो ये हमारा पूरे ड्रेस की कवर सिलाई हो जाएगी। अब हम लगा देंगे प्रेस स्टिच। ये भी हमारी प्रेस स्टिच हो गई है। ऊपर की तरफ भी हम टीच कर लेंगे ताकि बीच में झोल ना पड़े। और अच्छी तरह से सेट करके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमारी लंबी स्ट्रिप बन के रेडी है। अब इसकी लंबाई कितनी है? तो अब इसकी लंबाई है 38 इंच और चौड़ाई इसकी 4 इंचेस है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बुट्टा लेस ली है और ये सिलाई न दिखाई दे इसीलिए इनके ऊपर में ये लेस टीच करके अटैच कर दूंगी। तो ये दोनों कपड़े जॉइंट हो जाएंगे और प्यारा सा हमारा घेरा दिखेगा। अब हम यहाँ पे प्लेट्स लेंगे। तो कुछ इस तरह से अच्छी तरह से एक एक करके नज़दीक नज़दीक हमें प्लेट्स लेने हैं। और ध्यान में रखना है कि हमने जो लेस, बुटा लेस लगाया है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए और सीधी लाइन पर ये लेस आए। इस तरह से हमें प्लेट्स को टिच करते जाना है और नज़दीक नज़दीक रखना है। और हमारे लड्डू गोपाल जी के कमर के हिसाब से हमें प्लेट्स लेने हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारी प्लेट्स हो गई है। ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे और इसकी कमर की लंबाई मैंने 5 इंचेस रखी है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि कपड़ा हमारा बैठ जाए। यहाँ पे एक पार्ट लिया है, इसकी लंबाई है 6.5 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। इसका हम नेफा बनाएंगे और घेरे को उल्टा करके सिंगल फोल्ड करके हम यहाँ पे स्ट्रिप को टीच करके अटैच कर देंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो कट कर लेंगे। बीच में हम डोरी डालेंगे तो इसकी लंबाई है 9 इंचेस। इस तरह से बीच में रखेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे टीच करके अटैच कर देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा घेरा बन के रेडी है ना? इजी तरीका, आसानी से हम बना सकते हैं। तो देखिए गाइस, इसकी फिनिशिंग और इसका लुक कितना बढ़िया आया है। अब हम बनाएंगे चोली। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए हैं और एक लंबी स्ट्रिप ली है। इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है।
इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे और ब्लू वाले की हम ड्रेस बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से सिंगल फोल्ड करके हम टीच कर लेना है, एक्स्ट्रा काट लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके फिर से हम यहाँ पे प्रेस स्टिच लगा देंगे ताकि हमारी पाइपिंग भी बन जाए और हमारी ड्रेस की लंबी स्ट्रिप भी तैयार हो जाए एक ही सिलाई में। ऊपर से हम थोड़ा मोड़ कर यहाँ पे टीच कर लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्ट्रिप भी तैयार कर लेंगे। अब हम दोनों को जोड़ देंगे। देखिए मैंने दोनों को जोड़ दिया है, तो इसकी लंबाई मैंने 2 इंचेस रखी है। अब हम घेरों को सेंटर निकालेंगे और बीच में चोली को टीच करके अटैच कर देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा ड्रेस बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे कैप। तो इसकी लंबाई है 9.5 और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। इस तरह से डबल फोल्ड करके इनके ऊपर हमें बुट्टा लेस लगाना है। तो इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इनके ऊपर हमें ये लेस को अटैच करना है और टीच करते जाना है। तो ये हमारे दोनों काम हो जाएंगे, टीच भी हो जाएगी और लेस भी अटैच हो जाएगी। और इस तरह से मोड़ कर बाल गोपाल जी के सिर के हिसाब से हमें टीच कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी कैप बन के रेडी हो गई है। अब हम ऊपर की तरफ एक कलगी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिए, इसकी लंबाई है 4.5 और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है। इस तरह से सीधा भाग अंदर की तरफ रख कर 3 साइड हम टीच कर लेंगे। अगर आपके पास पूरा कपड़ा है तो आप मोड़ कर भी कलगी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पलट लूँगी, तो मेरे पास पूरा कपड़ा नहीं था इसलिए मैंने 2 पार्ट लिए है। अब हम इनके प्रेस स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा कलगी का पार्ट बनके रेडी है। ऊपर की तरफ हमें लगा देंगे बुट्टा लेस, तो ये और भी प्यारी कलगी बन जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी इस तरह से टीच लगा देंगे ताकि बीच में झोल ना पड़े। अब उंगलियों की मदद से हम इस तरह से प्लेट्स ले लेंगे और अच्छी तरह से पकड़कर सुई और धागे की मदद से यहाँ पे नॉट्स लगा देंगे ताकि हमारी कलगी यहाँ से छूटे नहीं। तो ये हमारी कलगी बन गई है। अब हम ये पगड़ी के साथ अटैच कर देंगे। तो है ना इजी तरीका, चलिए लगा देते हैं। तो ये हमारी प्यारी सी कैप ड्रेस।